राजधनवार में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर धनवार प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी ने 2 साल पहले ट्रैक्टर की टक्कर से तारा नाखो के संजय की मौत के मामले में उसके परिवार को आपदा राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, साथ ही जरूरतमंदों को राशन कार्ड, विधवा और वृद्धा पेंशन देने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हमारा मृतक संजय दास है, उसको जो सरकारी स्तर से जो मुआवजा देना चाहिए, जिस तरह के बात यहाँ पर हम धरना स्तर में जानकारी हो रहा है कि यहाँ ब्लॉक में वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, जितनी भी तरह का गरीबों का योजना है जो संवैधानिक स्तर से जो संविधान में दिया गया है, यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है अवहेलना किया जाता है। संजय दास को ट्रैक्टर द्वारा जोरदार तरीके से धक्का मारने के कारण उसका मौके पर मौत हो गया था। उस क्रम में हमारे राजधनवार के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्यारे लाल जा करके आश्वासन दिए थे उस परिवार को कि मैं अविलंब सरकार द्वारा आपदा राहत से 20,000 रुपया नगद और प्रधानमंत्री आवास योजना और विधवा पेंशन हम देने के काम करेंगे। लेकिन आज तक 2 साल होने के बाद भी किसी प्रकार से उस परिवार को, उस महिला को नहीं मिला।